फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। टुडे आई विल टीच यू यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.9। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का, कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था, एचसीएफ निकालना ही समझाया था। देखिए, मैंने आपको 1 to 8 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 4 सम मैंने आपको कराए थे। आगे 9 to 16 सम हैं, इसमें से मैं आपको 4 सम कराऊंगी, 4 सम आपको खुद करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वन थाउजेंड 80 का निकालना है हमें फैक्टर, और 1200 का निकालना है। तो हम एक एक करके इनके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 1080 का, ओके? हमें क्या देखना होता है कि ये कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है? सबसे पहले छोटा नंबर ही देखते हैं, 2 से देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 0, ओके? फिर ये 540 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0। उसके बाद नेक्स्ट 270 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, अब 135 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर बचेगा, 3 5 जा 15। देन 45 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, 15 भी 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, और फिर 5 1 जा 5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 1080 के फैक्टर है। अब हम 1200 के फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे 2 से करेंगे डिवाइड, 2 6 जा 12, 0 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, 0 0। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 300 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। 150 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 75 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 25 ना तो 3 से होगा ना 4 से होगा, सीधा किससे होगा? 5 से, 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। ओके, ये हमारे 1200 के फैक्टर हैं, और ये हमारे 1080 के फैक्टर हैं। इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले 1080 के फैक्टर उसको लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5। ओके, देन 1200 के फैक्टर्स को लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5। ओके, HCF क्या बताया था मैंने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम जो हमें कॉमन मिल जाए उसे हम ले लेते हैं। देखिए, ये 2 हमारा कॉमन है, हमने ये 2 ले लिया इनटू, देन ये 2 हमारा कॉमन है, हमने ये 2 ले लिया नेक्स्ट। अब ये 2 कॉमन है हमारा, तो हमने ये 2 कॉमन ले लिया। ओके, अब आपको देखो और क्या मिल रहा है कॉमन। देखो, ये 3 कॉमन है इसमें, तो अब हम इसमें से ये 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है? देन अब क्या कॉमन लेंगे हम? देखो, 5 कॉमन दिख रहा है हमें, 5 कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया, ठीक है? अब हम इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, और 24 5 जा, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। 24 5 जा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, प्लस 2 12, कितना आता है? 120। मींस 1080 और 1200 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 120 है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारी देखो, ये 3 डिजिट का है। अब हमें 3 के पहले अलग अलग फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले 86 का निकालेंगे, फिर 234 का निकालेंगे, फिर 128 का निकालेंगे। बहुत इजी है। देखिए, 86 का निकालते हैं पहले हम, 2 से करके देखते हैं। सबसे पहले
टू फोर जा एट और टू थ्री जा सिक्स, देखो क्या आया है 43। 43 हमारा कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। ओके तो 43 हमारा किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ओके ओनली ये किससे डिवाइड होगा, या तो वन से डिवाइड होगा या फिर किससे होगा, अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, 43 वन जा 43, 86 के फैक्टर हो गए। अब हम निकालेंगे 234 के फैक्टर। ओके सबसे पहले 2 से डिवाइड करें क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 से 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 सेवन जा 14। ओके अब 117 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे होगा, हमारा 3 से, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9। ओके 11 में से 9 को लेस करेंगे कितना आएगा, 2, 2 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से 7 राइट करेंगे, 27 हो गया, 3 9 जा 27। ओके अब ये फिर दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 हमारा किससे डिवाइड होगा, किसी भी टेबल से नहीं, ओनली 13 1 जा 13 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए 234 के फैक्टर। देन हमें किसके फैक्टर निकालने हैं, अब 128 के, तो 2 से ही करते हैं सबसे पहले क्योंकि लास्ट में 2 है, 8 है सॉरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 16 भी 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 8 भी 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हमारे 128 के फैक्टर हो गए। ओके स्टूडेंट्स अब हम इनके अलग अलग फैक्टर्स को लिख लेंगे। 86 के फैक्टर्स को लिखेंगे, क्या है 2 इंटू 43, फिर 234 के फैक्टर्स को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ओके अब हम 128 के फैक्टर्स को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, जो हमें कॉमन मिल रहा है ओनली वही लेंगे। अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो हमने 2 ले लिया। क्या आपको और कोई कॉमन दिख रहा है, देखिए और कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं ले लेंगे, ओनली हमारा क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। 86, 234 और 128 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 आया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246, 321 और 405 के फैक्टर्स को निकालेंगे हम। तो सबसे पहले 246 का निकालते हैं, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए क्या 123 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, किससे होगा ये 3 से लेकर के देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। ओके अब 41 देखो हमारा क्या है, 41 हमारा प्राइम नंबर है तो 41 हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ओनली 41 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है हमारा 321 के फैक्टर्स को निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम 3 से करके 2 से करके देखें, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है, तो किससे करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3 0, 3 7 जा 21। ओके अब 107 को डिवाइड करेंगे, देखो 3 से करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 1 बचेगा 17, नहीं होगा। ओके एंड 4 से नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा 107, तो हम क्या लिख देंगे, 107 1 जा 107। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 405, तो हम 405 के फैक्टर्स को निकालेंगे, 3 से करके देखते हैं, सबसे पहले 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ओके फिर 3 से करके देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके देन 3 से फिर दोबारा करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ओके अब हम इन सब के फैक्टर्स को लिख लेंगे। 246 के क्या फैक्टर्स निकले हैं, 2 इंटू 3 इंटू 41, और फिर 321 के क्या फैक्टर हैं,
थ्री मल्टीप्लाई 107, 405 के क्या फैक्टर्स हैं? 3 × 3 × 3 × 3 × 5। ओके, अब HCF निकालना है हमें। HCF में हमें क्या करना है, जो हमें कॉमन मिल रहा है ओनली वही लिखेंगे। देखिए क्या कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये 3 कॉमन है, तो हमने ये 3 कॉमन लिख लिया। क्या कुछ और कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 246, 321 और 405 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2150 एंड 3225 के फैक्टर्स को निकालना है हमने। सबसे पहले 2150 का निकालते हैं, ठीक है। देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से 2 बन जाए 2, 1 से डिवाइड नहीं होगा, ऊपर से हम 5 भी राइट कर लेंगे, 15 हो जाएगा, 2 7 जा तो 0 राइट हो जाएगी, 2 7 जा 14 और 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए कि 2 से डिवाइड हो जाएगा 1075 नहीं होगा, तो किससे होगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 3 से हो जाएगा, नहीं होगा, ओके, क्योंकि 3 3 जा 9, फिर 1 3 5 जा 15, 2 5 3 8 जा 24 आ जाएगा, नहीं होगा, किससे होगा, ये 4 से भी नहीं होगा, सीधा 5 से होगा, तो हम 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ओके स्टूडेंट्स। अब फिर दोबारा ये 5 से ही हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ओके। अब 43 से ही डिवाइड होगा, 43 1 जा 43, क्योंकि 43 हमारा और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता, ये प्राइम नंबर है। अब हम 3225 के फैक्टर्स को निकालेंगे, किससे करके देखें, सबसे पहले 3 से करके देखें, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से ये हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है। देखिए 3 1 जा 3, ऊपर से 2 राइट करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम ऊपर से 2 और राइट कर लेंगे, तो ना जाने की 0 आ जाएगी, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ओके। अब 1075 ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, 5 से, क्योंकि यही हमें पता चल गया है। देखो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर दोबारा 5 से हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, अब 43 1 जा 43, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारे 3225 के फैक्टर्स हो गए, तो 2150 के फैक्टर्स को लिखेंगे एंड 3225 के फैक्टर्स को लिखेंगे। क्या फैक्टर है, 2 × 5 × 5 × 43 एंड 3225 के क्या फैक्टर है, 3 × 5 × 5 × 43। अब हमें HCF निकालना है। HCF हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो लिख लेते हैं। देखिए ये 5 कॉमन है तो हमने ये 5 लिख लिया, एंड देन ये 5 कॉमन है, ये 5 लिख लिया, और 43 कॉमन है, 43 लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जब 25, 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 43 से, आपको पीछे करना है, ठीक है। 3 5 जब 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 4 5 जा 20 कैरी 2, 2 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 0 7 सॉरी 5 5 7 0 1 कितना आ गया, 1075। ये हमारा HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2150 एंड 3225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1075। आई होप यू अंडरस्टैंड।